नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, पीसीसी एंड फुटी। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज पीसीसी और इसमें देखेंगे व्हाट इज फुटिंग, टाइप्स ऑफ फुटिंग या फिर टाइप ऑफ फाउंडेशन, कौन कौन से टाइप्स के फुटिंग है, कौन कौन से टाइप के फाउंडेशन है जो बिल्डिंग में यूज होते हैं। इसके साथ ही एक ट्रेपेजॉइडल टाइप का फुटिंग है, उसका कैलकुलेशन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है, तो उसका डिटेल भी देखेंगे। इसके साथ ही एक सैंपल ड्राइंग और एक सैंपल कैलकुलेशन शीट देखेंगे कि फुटिंग का शटरिंग क्वांटिटी कैसे निकालते हैं और कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज पीसीसी एंड फुटिंग। पीसीसी क्या है? पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और ये पीसीसी को हम लेवलिंग कोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो एक्सकैवेटेड सरफेस है उसको एक लेवल करके, बराबर लेवल करके उसके ऊपर हम फुटिंग या फाउंडेशन रेस करते हैं, तो उसको लेवलिंग कोर्स भी हम बोलते हैं। अभी पीसीसी जनरली 1-5-10 या फिर 1-4-8, मतलब सीमेंट, रेती और गिट्टी, इसके हिसाब से उसका प्रपोर्शन रहता है। तो कभी कभी उसका मतलब M5O, M75, 7.5O, M10 ऐसा भी रहता है, ड्राइंग के हिसाब से देखते हैं। और इसमें थिकनेस कैसा रहता है इसका? जनरली पीसीसी का थिकनेस 100 mm रहता है, तो कभी कभी 150 mm भी रहता है एज पर ड्राइंग। और कभी कभी जैसे प्लिंथ बीम वगैरह आएगा वहाँ 75 mm, 75 mm भी रहता है। अभी पीसीसी का जो अपसेट है, मतलब फुटिंग की साइड से पीसीसी, वो जनरली 100 mm से 150 mm रहता है एज पर ड्रॉइंग। अभी हम देखेंगे व्हाट इज फुटिंग। फुटिंग मतलब ये बिल्डिंग का सबसे निचले वाला हिस्सा जिसके ऊपर पूरा लोड आता है, मतलब लोएस्ट लोड बेयरिंग पार्ट है बिल्डिंग का, जो जनरली ग्राउंड लेवल के नीचे ही रहता है, उसको हम फुटिंग या फाउंडेशन बोल सकते हैं। अभी टाइप्स ऑफ फुटिंग, इसमें कैसा है? 4 टाइप्स की फुटिंग है। पहला है आइसोलेटेड, दूसरा है ट्रेपेजॉइडल, तीसरा है कंबाइंड, चौथा है राफ्ट फुटिंग। इसमें अलग अलग हिसाब से 4 टाइप के फुटिंग आते हैं, फाउंडेशन आते हैं। पहला है आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग अभी हम अब एक साइड का पिक्चर में देख सकते हैं, एक सिंगल कॉलम है और सिंगल फुटिंग है। इसमें पिक्टोरियल व्यू में भी आप देख सकते हैं, ये सिंगल कॉलम है, इसका प्लान, ये सेक्शन, फुटिंग, कॉलम, पिक्टोरियल व्यू। अभी ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। अभी ट्रेपेजॉइडल फुटिंग कैसा है? नीचे रेक्टेंगल रहता है, ऊपर में रेक्टेंगल रहता है, बीच में स्लैंट पोर्शन रहता है, तो उसके हिसाब से अपने को उसका क्वांटिटी निकालना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको एक स्केच दिखाता हूँ, वो स्केच देखिए तभी आपके आइडिया क्लियर हो जाए। ये है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, नीचे रेक्टेंगल है, ये चारों साइड स्लैंट है, ऊपर में रेक्टेंगल है, ये नीचे का रेक्टेंगल, ये स्लैंट पोर्शन, ये साइड का पोर्शन A1 A2, ये नीचे का एरिया, ऊपर का एरिया, और ये प्लान। प्लान में आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, नीचे रेक्टेंगल, ये सब स्लैंट पोर्शन है, ऊपर का रेक्टेंगल। अभी इसमें कैसे है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल L×B×H, मतलब 2.5×2×0.2 इधर का आ गया, इसके बाद 1 mm आ गया। वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइड कैसे आ गया, 1/3 × A1+A2 प्लस अंडर रूट A1×A2×H, मतलब 1/3 × नीचे का एरिया प्लस ऊपर का एरिया प्लस अंडर रूट A1×A2×H, बॉटम एरिया A1L×B 2.5×2 5 m², टॉप एरिया A2L×2.5×0.3 0.12 m², वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइड कैसे रहेगा, 1/3 × 5+0.12 प्लस अंडर रूट 5×0.12 इंटू डेप्थ है इसका 0.4, इधर का डेप्थ है 0.4 इज इक्वल टू आ गया 0.785 m³। टोटल क्वांटिटी आ गया 1+0.785 इज इक्वल टू 1.785 m³। आप जैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। अभी कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में जैसे एक ही फाउंडेशन है या एक ही फुटिंग है, उसमें दो या दो से ज्यादा कॉलम रहते हैं, तो उसको कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। ये प्लान, ये सेक्शन इसमें देख सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग है, ये ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग है।
इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। अभी राफ्ट पुटिंग इस स्केच में आप देख सकते हैं एक्चुअल इमेज। इसमें कैसा रहता है, एक पूरा एक फाउंडेशन, एक यूनिक फाउंडेशन रहता है, उसमें ये सारे कॉलम्स आते हैं, सब कॉलम को अलग अलग फाउंडेशन की जगह पूरा एक ही फाउंडेशन रहता है वो राफ्ट। ये जनरली इंडस्ट्रियल या प्लांट वगैरह ऐसे एरिया में यूज करते हैं। अभी क्वांटिटी कैलकुलेशन एक्सेल शीट यूज करके हम कैसे करेंगे वो देख। अभी एक फाउंडेशन लेआउट है, ये F10 फुटिंग है, C10 कॉलम है, इसके हिसाब से बाकी सभी। इसमें देखिए फुटिंग टाइप F1 कॉलम नंबर SC1 F2 C2, इसमें साइज दिया है 1350 बाई 1650 और नीचे का डेप्थ है 230, ऊपर का डेप्थ है 450। उसके हिसाब से F2 है C2 है 1350 1650, नीचे का 230, ऊपर का 425 और इसका भी सेम 230 450। अभी ये देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे फुटिंग का। सबसे पहले PCC ऑफ शटरिंग 2 × numbers × L+B × D, मतलब दोनों साइड का शटरिंग लगाते हैं इसलिए L+B लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और दोनों साइड है इसलिए दोनों साइड। इसमें अभी लंबाई कितनी रहेगी 1.35 + 0.1 + 0.1 = 1.55, चौड़ाई कितनी रहेगी 1.65 + 0.1 + 0.1 = 1.85, डेप्थ कितनी रहेगी 0.1 मतलब 100 मिलीमीटर। अभी नंबर ऑफ फिटिंग हम एक कंसिडर किया तो शटरिंग क्वांटिटी कितना आ गए 2 × 1 × 1.5 + 1.85 × 0.1 = 0.68 m². अभी कॉन्क्रीटिंग करते समय कैसे करना है, वॉल्यूम है वो L × B × D, तो L कितना आ गया 1.55 ऊपर के हिसाब से, ब्रेथ है 1.85 ऊपर के हिसाब से और डेप्थ है 0.1 मीटर, तो नंबर ऑफ फुटिंग कितना है एक, तो PCC कॉन्क्रीट कितना आ गया 1.55 × 1.85 × 0.1 = 0.29 m³। अभी फुटिंग का शटरिंग कैसे करते हैं, फुटिंग का शटरिंग है 2 × numbers × L+B × D, मतलब दो साइड इंटू कितना फुटिंग है एक इंटू एल प्लस बी मतलब फुटिंग की लंबाई फुटिंग की चौड़ाई इंटू डेप्थ मतलब फुटिंग का टोटल शटरिंग एरिया जहां जहां हम शटरिंग लगाते हैं वो, या फिर सरफेस एरिया बोल सकते हैं टोटल इंटू डी। तो एल ए 1.35 मीटर, ब्रेथ है 1.65 मीटर, डेप्थ है 0.23 मीटर, तो नंबर ऑफ सिमिलर साइज फुटिंग कितना एक है, तो टोटल शटरिंग कितना आ गया फुटिंग का 2 × 1 × 1.35 + 1.65 × 0.3 = 1.38 m². अभी हम देखेंगे क्वांटिटी कैलकुलेशन शीट एक्सेल में, क्वांटिटी कैलकुलेशन शीट जो रहता है वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। एक सैंपल शीट आपको दिया है, इसमें सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट नंबर, लेंथ, ब्रेड, डेप्थ, क्वांटिटी, रिमार्क्स। इसमें हम PCC शटरिंग है, पहला फुटिंग है F1, स्क्वायर मीटर यूनिट है नंबर 1, 1.55, 1.85, ब्रेथ 0.1, डेप्थ 0.68 स्क्वायर मीटर। F2 का सेम स्क्वायर मीटर यूनिट है 1 नंबर 1.55, 1.85, 0.1, 0.68। कॉन्क्रीटिंग का ऐसा ही F1 क्यूबिक मीटर 1, 1.55, 1.85 × 0.1 = 0.29, इसके हिसाब से F2 का भी 0.29 m³। फुटिंग का शटरिंग F1 स्क्वायर मीटर 1 × 1.35, 1.65, 0.23 = 1.38 m². ऐसे ही हम पूरा शटरिंग और PCC का और फुटिंग का कैलकुलेशन करते हैं। एक सैंपल के लिए आपको जस्ट मेजरमेंट दिया है, मेजरमेंट शीट दिया है जस्ट रेफरेंस रखने के लिए, आगे में अपने को मेजरमेंट में इसी टाइप का एक मेजरमेंट शीट काम में आएगा, इसको ध्यान में रखिए। और ये आपको PCC फुटिंग का आपका आइडिया अगर क्लियर रहेगा, क्लियर हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये रहा अपना आज का वीडियो, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।